हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? ऐसा करते हैं, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। अभी जो है कि टाइम 3:30 के आसपास हो रहे हैं, शाम हो गई है। हम जो वहां से आए थे कल, जो अगले वीडियो में आप लोगों को दिखा दिए थे कहां गए थे, तो हम गए थे अपने मामा के बारात। वहां से जो आए थे दोस्तों, वहां से आते ही खाना उना भी नहीं खाते हम सो गए थे। शाम तक मतलब सोए रहे और नहाए भी नहीं थे। तो आज हम नहाए थे सुबह सुबह जग करके, तब जाके हमारा मूड फ्रेश हुआ। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि सर पर जन रखा हुआ है और पूरा देह हाथ पूरा दर्द कर रहा था। तो देखिए, यह है काजल। हम और ओमवीर के बिना हम लोग को वहाँ पे मन नहीं लगता था। हम सोचते थे कि कब चले जाए घर अपने। तो वहाँ से कितनों जल्दी आने का कोशिश किया, कम से कम हमको आने में वहाँ से 12-1 बज ही गए होंगे। तो वहाँ ज़रा सा भी मन आओ तो दोस्तों, वहाँ इतना समस्या हुई हम लोगों के साथ, आप लोगों को क्या बताएं। वहाँ हम लोगों को व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं दिया गया था। और जो है कि हम लोग रात में आग जला जला के इधर उधर से लकड़ी उकड़ी लाल के, मतलब जो है कि हम लोग वहाँ पे किसी तरह से रात काटें। और सुबह जैसे हुई तो हम लोग चले गए वहाँ से घूमने के लिए। तो जो है कि वहाँ से हम लोग निकले थे 8 बजे, तो हम लोग यहाँ 10-11 बजे पहुँच गए थे। वहाँ दीदी सब रोक ली थी, तो वहाँ हम लोग रुक गए थे। और थोड़ा चलिए आप लोगों को काजल से भी बात करा रहे थे, नहीं तो आप लोग सोचते होंगे कि देखो क्या बकवासी कर रहा है। तो थोड़ा आप लोग काजल से भी बात कर लीजिए। ये देखिए काजल क्या कर रही है, काजल लेके जा रहे हैं कपड़ा वपड़ा उठा के, बिछावन जो होता है। अभी जो है रात का, आप लोग अगर शादी करते हैं ठंडा में तो आप लोग शादी मत कीजिए ठंडा में। अभी नहीं बोलेंगे दोस्तों, मछली भात बनाएंगे। मछली भात कौन लाएगा मछली। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है, अगर आप लोग शादी ठंड में कर रहे हैं तो आप लोग सोचते हो जैसे सोच रहे हैं कि हमारे घर में जो कि गेस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, तो वैसा नहीं होने वाला है दोस्तों। क्योंकि ठंडी में कोई आना नहीं चाहता है, सिर्फ आप लोगों के इनवाइट जो है कि उसको पूरा करने के लिए आपके यहाँ एक घर से एक ही को जाएंगे, कम से कम एक से दो जाएंगे, बच्चे उच्चे नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है कि गर्मी में शादी कीजिए, कम से कम होली के बाद। ऐसे अभी लगन है, तो अगर आप लोग भी शादी करने वाले हैं इस लगन में, तो आप लोग हमारे मतलब कमेंट बॉक्स में जाइए और हमको कमेंट कीजिए थोड़ा, ताकि हम लोग भी जाएंगे आपके शादी में। तो चलिए काजल आ गई हैं, आप लोगों से को काजल से बात करा देते हैं। देखिए काजल को काजल से बात कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा। बहुत ही याद आती थी हमको वहाँ पे काजल के, और ये बिस्तर वो बिछावन वो मिस करते थे हम। घर का जो होता है बिस्तर, वो उसको बहुत मिस करते थे कि हम कहाँ आ गए हैं, हमको जाने का मन नहीं करता था। चलिए आप लोगों से बहुत कुछ बोल गए अपने दिल के बात, थोड़ा काजल से भी बात कर लीजिए। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे आप लोग? तो देखिए कल चला गया था भोज खाने, तो जैसे आए तो उसे सो गए। हम जगाने गए तो नहीं जगा, बोले नहाने के लिए नहीं नहाया एकदम। जग कैसे जाते, 6 बजे जगा कल शाम को। तो इसलिए इतना लग रहा था रात का जगाना था दोस्तों, क्या बताऊँ। और ठंड में हालत खराब हो गई थी, बस इसी उसका इसके साथ हम वीडियो नहीं बना सके। मेरे साथ नहीं बनाए थे, हम अकेले वीडियो बनाए थे। मेरे साथ और था, मेरे साथ जो गए थे वो सब थे। बोलो बोलो बोलो, और कुछ जो बोलना है जल्दी बोलो फटाफट। तो इसी वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। अभी जा आ रहे पापा मछली लेके, मछली चावल बनाएंगे आज। तो इस मतलब कोई फ्रेंड्स सबको खिलाओगे कि नहीं? कितना सा खिलाएंगे कितना सा खिलाओगे? अपना ऐसा खिलाओगे कि उसी में से खिलाएगी? अपना ऐसा भी खिलाएंगे, उससे भी खिलाएंगे। तो दोस्तों आप लोग सुन लीजिए, काजल जो है आप सभी को अपना हिस्सा खिलाएंगे। तो आप लोग जो है कि अपना हिस्सा का प्यार आशीर्वाद और सपोर्ट हम लोगों को दीजिए, अपने हिस्सा का, दूसरे हिस्सा का नहीं दोस्तों। अगर आप लोग हमें चाहते हैं हम लोगों को यूट्यूब पर बने रहने के लिए, तो आप लोग तो दोस्तों सपोर्ट करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो हमको जो है इसको भी अभी मारेंगे, कमाने नहीं जाते हैं तो जो है कि हमसे जो है कि घर में हमेशा हमको डांट उट लगती है, हमसे झगड़ा वगड़ा जो होता है वो सब भी होते रहते हैं, क्योंकि निकम्मा है ये वो है। तो मेरे बहन की शादी है दोस्तों, उसके वजह से जो घर में सारे गार्जियन जो है कि हमको डांट देते हैं, और कभी कभी इसका भी दिमाग ख़राब हो जाता है तो ये भी बोलने लगती है कि तो हम मारेंगे सच में अभी। इसका दिमाग ख़राब हो जाता है तो ये भी बोलने लगती है कि चले जाइए आप कमाने के लिए। तो हम सोचते हैं दोस्तों कमाने के लिए चले जाएंगे, इसमें आप लोग हम रात में खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन इसके बहुत जिद करने के बाद जो है कि लगभग 10 बजे रात में हम खाना खाया वहाँ से जग के, नहीं तो हम चले गए थे फिर सोने के लिए। गुस्सा ही लग गया था हमको इतना कि दोस्तों अगर बताइए आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से अगर कमाते हैं 2-4 पैसा जो भी कमाते हैं,
तो वो क्या हम दूसरे को नहीं है ना दे देंगे, उसी मतलब कि अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं, कमाना चाहते हैं, कमा तो नहीं रहे हैं अभी लेकिन कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा आप लोग जो है कि हमारे पापा और गार्जियन के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा सजेशन दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो को फैला दीजिए और वायरल कर दीजिए। फैलाने का मतलब यह है दोस्तों, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए और हम दोनों के लिए थोड़ा एक लाइक अच्छा से और प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।